अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और रहें बाखबर। कराची से अच्छी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सबसे बड़े जिन्ना अस्पताल में पहली मर्तबा रोबोटिक सर्जरी का बाकायदा आगाज हो गया। अस्पताल में 25 मिनट के कामयाब ऑपरेशन के बाद 34 साल मरीज का पित्ता निकाला गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मरीज की हालत में अब पहले से बेहतरी आ रही है। इस हवाले से आपको बताएं कि जिन्ना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल की सरबराही में डॉक्टर सद्दाम और डॉक्टर मुनसब ने 25 मिनट का ये कामयाब ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन पेचीदा मराहिल, तकलीफ और खून के ज़या से बचने के लिए बहुत ही एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। आपको बताएं कि इस सिलसिले में जिन्ना अस्पताल कराची के शोबा यूरोलॉजी के सरबराह डॉक्टर शहजाद अली ने बताया कि डॉक्टर शाहिद रसूल का मशहूर हूँ, इनके नज़रिए के तहत जिन्ना अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी का आगाज़ हुआ। रोबोटिक सर्जरी लागत में बड़ी और इसका सामान और ट्रेनिंग भी महंगी है। यहाँ के डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जन बनने का मौका मिल रहा है, ये एक खुशाइन बात है।